Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good night, and best wishes to whole peace-loving world. Welcome to program Baakamal Log. The great viewers, आज हम एक स्पेशल टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हम इस प्रोग्राम बाकमाल लोग का आगाज़ करेंगे उस खूबसूरत रेनोन्ड स्लोगन जो दुनिया में बड़ा मारूफ हुआ, क्या था? बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो हमें कल व्हाट्सएप पे एक बहुत हमारे पुराने दरीना दोस्त हैं जनाब तनवीर इलाही साहब, पेरिस में वो लोकल स्टाफ थे, पी आई के मुलाजम थे, रिटायर हो गए हैं। कभी कभार वो मेहरबानी फरमाते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं और रबते में रहते हैं। कुछ अर्सा से जब से वो पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से रिटायर हो गए थे तो उन्होंने उनसे रबता कट गया था, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल दोबारा हमारा रबता बहाल हुआ। तो उन्होंने वो अच्छी चीज़ें भेजते रहते हैं, अच्छी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, लेकिन जो अब उन्होंने मुझे कल व्हाट्सएप पे एक डिटेल मैसेज भेजा है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उसको आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बीना लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, सीजन लोग हैं, वो ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे जो मैसेज भेजा है उसमें फरमाया है कि उनकी कन्वर्सेशन हुई है साबिक पी आई ए के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एजाज हारून से। उन्होंने ज़रा गौर कीजिए कि कैप्टन एजाज हारून साहब जो नुस्खा कीमिया बता रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑक्सीजन टेंट से निकालने का, वो एक लंबी दास्तान है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक लंबे उन्होंने फिलासफर के हैसियत से अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ये इस तरह बच सकती है, इस तरह बचने चाहिए था, ये होगा तो ऐसे होगा, और ये होता तो ऐसे होता, ये ना होता तो ऐसे ना होता, बहुत कुछ कहा और हम एंजॉय करते रहे, सब ढूंढते रहे। लेकिन एक लम्हा के लिए मुझे ख्याल आया कि जब मैंने दो साल पहले कैप्टन एजाज हारून को कॉन्टेक्ट किया कि मेरे कौम बाकमाल लोग में आइएगा, तो उनकी टोन वही, वो क्या कहूँ, सामने होते तो और मज़ा होता, लेकिन मेरी कोशिश है कि चलिए, वक्त बीत गया। आप गौर फरमाइए, उन्होंने जो बातें शेयर की हैं कि इस एयरलाइन को दोबारा पाँव पे खड़ा करने के लिए नहीं, इस जेट्स पे खड़ा करने के लिए, इसको मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाने के लिए कहाँ जाके कहा है, पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पे। और उस शख्स को जो पी आई ए के लोकल स्टाफ थे और उनके, हाँ, उनकी ये खुश नसीबी थी कि उनके वालद मोहतरम पी आई ए के नीचे से प्रोसेस हो गए, वो डायरेक्टर बने, और फिर वो अहमद सईद साहब जो साबिक चेयरमैन पी आई ए थे उनसे उनकी कोई अनबन हुई। और अहमद सईद साहब बड़े अजीब व गरीब मिजाज के आदमी थे, वो यारों के याद थे, लेकिन वो जो उनके आगे अकड़ा वो उनकी अकड़ तोड़ देते थे, और उनके गैसो गज़ब का शिकार कई ऐसे बंदे हो गए जिनको बड़ा जोम था कि एयरलाइन उनके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन जनाब अहमद सईद साहब ने जो सर्विस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालकान हैं उनमें से हैं, उनके बड़े हैं और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो बात भी आपसे बात भी करते हैं, तो उनके हथे चढ़ गए थे कुछ डायरेक्टर्स, कुछ जनरल मैनेजर्स जो बहुत फिगरिंग करते थे, जो बहुत तंग करते थे, तो उन्होंने खड़े पांव उनको फारग किया। और फिर रोज़ हम सुनते थे कि आज बहाल हो गए, कल बहाल हो गया, लेकिन उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन अहमद सईद साहब भी कमाल बादशाह आदमी हैं, उन्होंने पसंद किसको किया, कैप्टन एजाज हारून को। एजाज हारून का, कैप्टन एजाज हारून का ये कमाल है, अगर वो जनरल मैनेजर हैं तो डायरेक्टर की नहीं सुनते थे, अगर डायरेक्टर हो गए तो वो एमडी की नहीं सुनते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे, सिर्फ जरदारी साहब की सुनते थे क्योंकि उनकी आरी सी। एनीवे, कैप्टन एजाज हारून ने जो नुस्खा कीमिया बताया वो तनवीर इलाही साहब, साबिक पी आई ऑफिसर चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पेरिस को बताया, और वो उन्होंने वो नुस्खा जब हमें भेजा तो हमने उसके जवाब में लिखा तनवीर इलाही साहब को कि तनवीर इलाही साहब, कैप्टन एजाज हारून जो थे वो मेजर एक्टर थे पी आई ए को वेंटिलेटर पे डालने वालों में से, वो सबसे टॉप पे थे। बल्कि एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं
वो उनकी या पता नहीं बदनसीबी थी कि गुड लक टू मी, उस स्टेशन वाइज कॉन्फ्रेंस में मुझे भी बुलाया गया। तो उस वक्त मुशर्रफ दौर के, ये मुशर्रफ रजीम के चेहरे थे, अहमद सईद साहब के चेहरे थे, लेकिन अहमद सईद साहब का, जनाब अहमद सईद साहब का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर बड़ा एहसान है। वो अगर 777 ना लेके आते, वो हम तो कोई बात भी अच्छी पसंद नहीं करते, अच्छी हो बुरी हो हमें कीड़े निकालने, लेकिन सब सुन लें 21,000 मुलाजमी भी आए के और उनके ख़ानदान सुन लें कि अगर 777 ना होते तो कुछ भी ना हो, चिरागों में रोशनी ना होती क्या होता। तो तनवीर भाई साहब ने नुस्खा कीमिया बताया, उसका तो हमने बाजा बजा दिया और तनवीर भाई साहब को लिखा कि ये अब जवाब दे सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के जो फार्मूले बनाने हैं ना, H2SCl2 फलां, पानी बनाने का फार्मूला, गैस बनाने का फार्मूला, ये और फिर तारीख ने ऐसा तमाचा मारा, इन जैसे जो बड़े सीजन और प्रोफेशनल बनते थे, जो बड़े कुरम खान बनते थे, कि उनको उनके दौर में, कैप्टन इजाज हारून के दौर में एयरलाइन बैठ गई, बंद हो गई और पे की तारीख में इतनी बड़ी हजीमत के साथ उठती किसी शख्स की नहीं हुई जितनी कैप्टन इजाज हारून की हुई। लिहाजा कप्तान साहब उनको और कम करो, थोड़ा छावे बनो और एक दूसरे शुस्के एयरलाइन को खड़ा कराम, इंशाल्लाह एयरलाइन खड़ी होगी, उड़ेगी दौड़ेगी। और मेरे रब कायनात ने करम किया तो हमारा हर इदारा जो है वो फ्लाई करेगा और ग्रेट पीपल टू फ्लाई भी होगा। तो तनवीर साहब की बात को हमने आपको शेयर कर दी। अच्छा, दूसरा ये है कि आजकल बड़ा शोर है कि जनाब एयर सफारी, पहले आइए हम आपको एयर सफारी, ये हमने इसको जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रेट व्यूअर्स, आप डेड बॉडीज़ के ऊपर तजर्बे करते हैं, फ्रॉग्स के ऊपर करते हैं, हलूद के हुए जानवरों का उसके ऊपर करते हैं, बेशुमार चीज़ों के ऊपर बच्चों को जो स्टूडेंट होते हैं मेडिकल के उनको तजर्बात करते हैं। लेकिन ये दुख वाली बात है, कमाल बदनसीबी वाली बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर हुक्मरानों के यारों ने कमाल तजर्बे किए। बहुत पहले 84 में सबसे पहले जो खौफनाक जब एयरलाइन, पहले तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि इस एयरलाइन को मेरे अजीज हमवतनों जिस शख्स ने कहा वो ज़ियाउल हक मरहूम थे, उन्होंने हर गली में हर महल्ले में पहले, चूँकि इसके ऊपर MLR 52 लगाना था, मार्शल का जब्ता लगाना था, पहले गली महल्ले में सब मुलाजमीन को, सब एयरलाइन के बंदों को हर गली में चोर चोर पिए की गाड़ी गुजरती थी, शर्म से सर झुक जाता था, बुरा हाल हो जाता था। और उसके बाद उन्होंने ग्राउंड बना के पब्लिक ओपिनियन बर्बाद करके, मुलाजमीन को बर्बाद करके MLR 52 लगाया, बात लंबी हो जाएगी, 5,000 मुलाजमीन दर बदर हो गए, रुल गए, तबाह हो बर्बाद हो गए, आंखें चली गई, नबीने हो गए, भिखारी हो गए। फिर उसी दौरान आपने 5,000 का मुलाजम, 15-20,000 का मुलाजम निकाला और 50,000 के अपने हम नवाज साथी थे किसी एजेंसी से लेके आ गए, IB से आ गए, इधर उधर से आ गए, और फिर इदारा जो है वो जो उस वक्त बुराक बना हुआ था घुटनों के बल आके गिरा। उसके बाद जो सुलभ हुआ वो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन उस नेकी में सारे और बर्बादी ये होगी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब बेनज़ीर सभा की आई, दुनिया से चली गई, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, जब वो तशरीफ लाई, बहाली हुई, सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने एक ऑर्डर असेंबली से पास करवाया और तमाम 10 साल बैक डेट से सारे बहाल कर दिए। उसमें बेचारे बेगुनाह जो आ गए, जो क्रिमिनल्स थे वो भी आ गए, तमाम आ गए और एयरलाइन बैठ गए, सबको बैक गेट से उनको एरियस दिए गए, किसी जो उस वक्त प्रोसेस में थे, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में थे, एम्प्लॉयमेंट के प्रोसेस में थे, भर्ती होने वाले थे और वो ना हो सके और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, मार्शल लग गया, भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई, फौज आ गई, फ्लां हुआ, बेंजी आना जाना करते करते, और जब उनको बहाल किया एयरलाइन का, यकीन उसमें बेगुनाह भी चले गए थे, लेकिन उसका फार्मूला ऐसा रखा गया कि सबको वापस बुलाया गया, जो अभी भर्ती नहीं हुए थे उनको उस डेट से भर्ती किया गया, फिर
उस इस नातवा एयरलाइन के ऊपर इस कदर बोझ पड़ा कि ये बैठती चली गई। तो आगाज कहाँ से हुआ? अब पीपल्स पार्टी के दोस्त बुरा बना जाए, क्योंकि बराबर बेचारे को क्या क्या पता कि सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने, जिनके लिए मैं हर बार कहता हूँ कि मापराए इंसाफ तख्तादार पे चढ़े, न्यूक्लियर लेके आए, उसको प्लांट किया, ढाका बैठ गया, ढाका चला गया, ढाका डूबा, हमारे सामने डूबा, बड़ा दुख की बात है, उसके ऊपर क्या रोना कि किसने तोड़ा, क्या हुआ। लेकिन उसमें भुट्टो साहब को बरी जिम्मा, सियासतदानों को बरी जिम्मा नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन भुट्टो साहब के दौर में ऑन ड्यूटी लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाहौर एयरपोर्ट पे ट्रैफिक स्टाफ को, दूसरे स्टाफ को कराची में हथकड़ियाँ लगा के जिंदा खान में धकेल दिया गया, लोग मर गए, बुरा हाल हो गया। तो सबसे पहले मार्शला नहीं था, मार्शला तो हर कमाल है ना, भुट्टो साहब वैसे ही सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, दुनिया की तारीख में ये भी एक अजीब तजुर्बा था। अब पीपल पार्टी के बच्चे, उस वक्त को बच्चे भी नहीं होंगे, जो हमारे हमसर हैं वो सब जानते हैं कि पहला सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया की तारीख में गिरफ्तार हुए, भुट्टो गिरफ्तार हुए, कुछ भाग गए, चले गए तो बच गए। खैर उसके बाद जो जुल्म हुआ, एयरलाइन बैठी चली गई और क्या हुआ कि एक ट्विन ऑटर कहीं से मांगे तांगे के 6-7, 5-7 ट्विन ऑटर, दो इंजनों के छोटे बच्चों के चलाने वाले पंखों वाला जहाज, वो कहाँ लगा दिया था? मियांवाली। फिर मियांवाली के MNA अब्दुस्सलाम नियाज़ी साहब, अब तो खैर जनाब दूसरे नियाज़ी साहब छाए हुए हैं, इमरान नियाज़ी साहब वो छाए हुए हैं, लेकिन वहीं में से फिजुल्ला नियाज़ी एक बेरी आदमी है, हमें इमरान से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अब्दुस्सलाम नियाज़ी साहब उन्होंने क्या किया, और उस वक्त के जो वहाँ के मियांवाली से अवामी नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा जी कि तो जहाज़ चलना चाहिए, जहाज़ दूसरी एयरलाइन कोई नहीं चलाने की तैयार थी, लेकिन PIA के ट्विन ऑटर खाली जाता था, खाली वापस आता था। तारीख उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भागना वाला सरगोधा में जहाँ कुत्ते बोलते थे, जहाँ तो डस्ट उड़ता था, घट्टा मिट्टी उड़ता था, वहाँ से ट्विन ऑटर उड़ता था खाली, एयरलाइन बैठनी शुरू। हम तजर्बात पे लग गए, हमने ट्विन ऑटर चला दिया, अवामी नुमाइंदों के जोरावरी पे हमने मजबूरन चलाया, और एयरलाइन करोड़ों डॉलर नुकसान पे जाती गई, और फिर कहते हैं समुद्र भी खाली हो जाते हैं। अब अभी वो तो तजर्बा और बेशुमार थे, रूट बेच दिए गए, हर जो भी आया उसने खाया, लूटा, तबाह किया और चला। अभी क्या हो, अभी पिछली गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या किया, जर्मन से हम कभी कोच इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोच आ गया, हमारे हीरे हैं वो, क्रिकेट के बेहतरीन खूबसूरत खिलाड़ी हैं, हमें कोच भी नहीं मिलता, हमें हॉकी का कोच नहीं मिलता। मैं अभी मलेशिया में कबड्डी का जो वहाँ कबड्डी वुमेन कबड्डी उनका प्रोग्राम का क्या हूँ, बागमाल लोगों में अपने मुल्क के कोच हैं, अपने मुल्क के हीरे हैं, अपने मुल्क की उनकी बच्चियाँ जो थी वो कमाल प्लेयर हैं, हम कोच भी कर, हम पहले तो अमेरिकन गंदम इम्पोर्ट करे थे, फिर हमने कोच, फिर हमने प्रोफेशनल, फिर हमें, और हमारा जो प्रोफेशनल है वो बाहर जाकर बोल रहा, तो पाकिस्तान में आके क्या करे, उसको नौकरी नहीं मिलती वो, और दुनिया में उसकी कदर होती है। तो ग्रेट व्यूज, फिर हमने क्या किया, हमने एक गोरा इम्पोर्ट किया, पहले सेबर के नाम पे गोरे आए, उन्होंने जनाब शायद खकान अब्बासी साहब ने तजर्बा किया, और उन गोरों ने आके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारा हमें मुजारा बना दिया गया, हमें अपना स्लेव बना दिया गया, और फिर जब फौज आई मार्शल आया तो रातों रात वो निकलते होंगे, लेकिन हमारा सब कुछ मिल गया। फिर एक स्विस कोड, जैनी स्विस कोड का तजर्बा कर दिया गया, कोई कंपनी ग्राउंड हैंडिंग की कंपनी बनाई, उसको ठेका दिया गया, क्या किया उसने आके, कुछ नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इक्विपमेंट वो ही यूज़ होता था, लेकिन वो क्या क्या जुल्म था, क्या इंटीक थी, क्या एयरलाइन को डबोने वाले नासूर थे कि उसको क्या किया गया, उस स्विस पोर्ट कंपनी को किसी ने नहीं देखा था, गोरा कोई नहीं था, गोरा कहाँ बैठा हुआ था, सिर्फ यहाँ से डॉलर जाते थे कि हमने उनका इक्विपमेंट यूज़ किया। तारीख गवाह है, सब सुन लीजिए, जो प्रोफेशनल हैं, जो सीजन हैं, जो पुराने लोग हैं, बताइए स्विस पोर्ट का दफ्तर कहाँ था, किधर था, क्या यही TGS का इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता था, और उनके होते हुए
हम उधार मांगते थे दूसरी एयरलाइनों से, उनसे हम सीढ़ियाँ लेते थे, उनके ट्रैक्टर लेते थे, उनके ग्राउंड इक्विपमेंट सारा लेके, और बिल जो है उस विस्फोट वाले डॉलरों में हमसे लेके चले जाते थे। ये तजर्बात हुए एयरलाइन बात मार लो लाजवाब सर्विस से, लाजवाब सर्विस की बजाय मुजमिल सर्विस इस तरह। ये क्यों वेंटिलेटर में चली? ये तजर्बात होते रहे, खाया गया, लूटा गया, इंजीनियर तबाह कर दिया, जहाज में कमीशन हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये कमाल बात है कि हमारे इक्विपमेंट को इस्तेमाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज़ों पे इस्तेमाल करना, और पैसे किसके पास जा रहे हैं? स्विसपोर्ट के पास पैसे जा रहे हैं। ये तजर्बात होते रहे और बहुत से तजर्बात हुए। लेकिन उसके बाद बोरे को इम्पोर्ट किया, हिंडन को, वो फ्रॉडिया, वो इम्पोस्टर, वो ज़ीरो, वो नालायक, वो नॉन प्रोफेशनल, बिल्कुल टोटल नॉन प्रोफेशनल। हमारे लोगों ने उसको सर पे बिठाया, उसके साथ तस्वीरें बन रही हैं, उसके सिरे गाए जा रहे हैं, सिरे तो यार हमारे वक्त गाते रहते हैं। नो जनाब, उसने नया तजर्बा, क्या तजर्बा कि जनाब मैं फ्रैंकफर्ट से जहाज़ शुरू कर दूंगा, फ्लाइट शुरू कर दूंगा। अब मैंने लिखा, मैंने प्रोग्राम किया कि तुम क्या करोगे, 20 साल पहले हमारी फ्लाइटें फ्रैंकफर्ट से भर के जाती थी। हमारी बदनसीबी हुई कि हमारे बड़ों ने, हमारे जो पी आई ए के सरबराहन थे, उन्होंने इसको तबाह कर दिया, उन्होंने ड्रीक की, उन्होंने दूर भेज दिए, और बर्बादी के हर जगह भुजियाँ लगा दी इन तजर्बात ने। उस हिंडन ने क्या किया? जुल्म कर दिया। उस हिंडन ने क्या किया? नीचे से उठाए, नीचे से बिल्कुल फ्लोर से नीचे लड़के लड़कियाँ स्टाफ उठाया, जो उसको उसके खुशामद करते थे, जो उसको लाहौर में आके तमाम स्टेशन पर आके फशी सलाम करते थे, मिलते थे होटल में जाके, मिलते थे कहाँ मिलते थे? दफ़ा कीजिए, क्या पर्दा उठाएं, क्या अपने 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 पेट से क्या कमीज का कपड़ा उठाएं, शर्म आती है। क्यों लाया गया उसको? शायद खान अब्बासी साहब, ये तमाम सरदार महताब अब्बासी साहब, क्यों लाया गया? क्या आपके यहाँ टैलेंट की कमी? क्या आपके यहाँ हीरे नहीं पड़े हुए? क्या एयरलाइन में हीरे नहीं पड़े हुए कि उसको लाए? और उसने 6 महीने में एयरलाइन को जो घुटनों पे बल चल रही थी, घुटने में निकल गई, वो मजूर होके रह गए। उसने क्या किया, उसने क्या जुल्म किया? श्रीलंका एयरलाइन से ट्रेनिंग बुलाया गया। श्रीलंका एयरलाइन से जहाज मंगा लिए गए और उनको डॉलरों में पेमेंट कर देगी, उनकी फसाई मेज़बान, हमारी फसाई मेज़बानों को सिखाने के लिए आई, जो दुनिया में राज करती हैं, जो दुनिया की एयरलाइनों के लिए मॉडल हैं। ये एक स्कूल, मॉडल स्कूल, अस्फानी हैंगर, मॉडल हैंगर। हमारे बच्चे, हमारी फसाई मेज़बान, हमारे ज़मीनी मेज़बान, हमारे इंजीनियर इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्रीलंका से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे जहाज़ ले रहे हैं। हमने वो प्रीमियम या प्रीमियर क्लास क्या चलाई? उसने हमारे सारा कुछ निचोड़ के रख दिया। जश्न मनाने लोग लंदन गए, केक खाए जा रहे, बुरा हाल कर दिया जा रहा है, जरीब और रुस्वा कर दिया गया। और उस क्लास के चक्कर में हमारी वो क्लास लगी कि हम बैठ गए, हमारी एयरलाइन बैठ गई। ये भी एक तजर्बा। तो अभी क्या, इन तजर्बात ने हमारे एयरलाइन के जो उसको खूबसूरत खूबसूरत बॉडी को, खूबसूरत शक्ल को स्केल्टन बना, वही खोपड़ी जो 440 वोल्ट का स्लोगन और लोगो बना होता है बिजली के खंभों के ऊपर, वही स्केल्टन बन गया। वो जो अस्पताल में स्केल्टन लगा हुआ है, हमारी एयरलाइन वो बन के रह गई। अभी और क्या तमाशा है? हमें बड़ी तवक्कुआत थी सीईओ सरवर रसूल सैयान साहब से, मेहनत की उन्होंने, कर रहे थे, हिडन भाग गया, जहाज को क्या कर दिया। हमारे जो सिरा गाने वाले स्टाफ ऑफिसर्स वो भी मौजूद हैं, उनका क्या किया जाए? उनका तो काम ही ये है, तो और जुल्म क्या कर दिया? वो तो नुकसान करके चला गया। उसके बाद तमाम स्टेशनों पे हमारी फीमेल ऑफिसर स्टेशन मैनेजर्स बन गई, ठीक है, इट्स ओके, बड़ी अच्छी चेंज है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन क्या जुल्म कर दिया आप? यानी आपके 5 से लेके 10 बड़े टॉप के लोग जो हैं, जो टॉप नीचे से जाके चलांगे मार मार के टॉप बन गए, छोटे से ग्रुपों में थे, सफाशी लोग थे, किसी का बाप मिनिस्टर था, किसी का कुछ बाप था, किसी का कुछ दादा मिनिस्टर था, कोई एमएलए था, कोई किसी जनरल का था, तो उनको मैनेजर द
जनरल मैनेजर डायरेक्टर, फिर उनको सस्पेंड किया हूँ। और अब डायरेक्टर मेजर फौरन मुश्ताक साहब बेचारे सस्पेंड है, याज मजर साहब पाकिस्तान से बाहर है, काम नहीं करते, डायरेक्टर लगा दिया जाए सुबह आ जाएंगे, डी एम डी लगा दिया सुबह आ जाएगा, छोटा सा ग्रुप का सुन रहे होंगे मेरा पॉइंट सुन लीजिए, बिल्कुल छः सात रातों रात इजाज अरुण साहब के ने आठ किया, नौ किया, दस किया, डायरेक्टर बना दिया, नौ किया, कुछ नहीं, जुलम हो गया, तजर्बात किए, फिर दूसरे आए उन्होंने सस्पेंड कर दिया या ओएसडी बना दिया, सर स्कूल में डाल दिया। एक मोहतमा थी उनको मैनेजर जनरल मैनेजर मार्केटिंग की बेगम साहब थी, डायरेक्टर बनाया, चोरी का इल्जाम लगा निकाल दिया, फिर डायरेक्टर बनाया निकाल दिया, तजर्बात तजर्बात कि तजर्बों ने इस एयरलाइन को डबराया। एयरलाइन डूबने वाली नहीं थी, यहाँ बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, यहाँ फिजाई मेज़बान A1 जो चोर चकार है वो खुद ही पकड़ा जाता है, चोरी चोरी नहीं छुप सकती, शराब से लैंड करने वाले जहाज़ को लैंड कराने वाले कप्तान छुप नहीं सकते, वो भी बदनामी का दाग उन्होंने भी लगा दिया। एयरलाइन को डबोने में स्मगलिंग की गई, इतनी भारी तनख्वाहें और क्या कर रहे हैं, पांच मोबाइल फोन में, फिर और सलाह, फिर और तजर्बा कि इस्लामाबाद की फ्लाइट्स पे हमारे हमारा मुंह पे कालक लगा दी गई, कलंक का टीका लगा दिया गया, कभी हम हीरो में जलील हो गए, हीरोइन में पकड़े गए, कभी हमारे जहाज़ को न्यूयॉर्क से वापस भेज ख़त्म कर देगा, हमारी फ्लाइटें बंद कर देगी। मैं मुझे दुख है, मेरा जी आज आंसू बहार, खून के आंसू बहार, क्या तजर्बात किए जा रहे हैं। तो मुशरफ रसूल साहब, डॉक्टर मुशरफ रसूल साहब, ज़ाकिर रहीम साहब, जनाब नईम यकूब साहब, जनाब बड़े स्वीट जनरल मैनेजर पैसेंजर हैंडलिंग सर्विस सर्विसेज जुल्कर नैन साहब एंड ऑल अदर वंडरफुल पीपल, प्रोफेशनल पीपल। देखिए जो होना था वो तो हो गया, आप बैगेज की चोरी रोकिए, आप 2 किलो तो नहीं छोड़ते, आप पैसेंजर का 2 किलो हम नहीं छोड़ते, बड़ी अच्छी बात है, मत छोड़ें। दूसरी एयरलाइन भी ये करती हैं, हम फ्री खाने बेशुमार खिलाते हैं, ज़बरदस्त खाने खिलाते हैं। अभी मैं पेरिस बेल्जियम लंदन में था, एयरलाइन ने पानी का घोल नहीं पूछा, आपने जो लेना है खरीदें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अयाशी करवाती है, मौज करवाती है, खूब खिलाती है, लेकिन ये पैसेंजरों को खिलाइए, सारा कुछ घर ना ले जाइए, आप शराब शराब के नशे में जाके लैंड करते हैं, आप छोटी सी बात का बाप को बुतंगड़ बना के जाके जब लैंड मेडे कॉल करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट कॉल करते हैं, दो मुसाफिर लड़ते हैं, डॉक्टर साहब मुशरफ रसूल साहब दो मुसाफिर लड़ पड़े, हमारे एयर होस्टेस ने जाके तीरी लगाई, फजाई मेज़बान ने कप्तान को तीरी लगाई, कप्तान को होश ही नहीं, कप्तान ने मेडे कॉल किया और नीचे कहा कि जनाब जहाज़ को थ्रेट हो गया, अकल से काम नहीं लिया, हमारा करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, लाखों पाउंड डूब गए हमारे, हमारे जहाज़ मासूम जहाज़ को, मासूम मुसाफिरों को जो हमारे साथ सफ़र करते थे उनको बरतानिया की फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने लैंड कराया, अरेस्ट रखा गया, जहाज़ को जंगल में खड़ा कर दिया गया, मुसाफिरों की तजलील हो गई, बच्चे रुल गए, और ये हो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जो सांडों को टीका लगता है, फाइनेंशियल टीका वो लगा, इस तजर्बात ने हमारा बुरा हाल कर, डायरेक्टर सस्पेंड ओएसडी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा इन गैलियों में आपने पूरी कोशिश की, मैंने डॉक्टर साहब आपके साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने कौमों में कहा, आपने उस पर बड़ा जोर लगाया, लेकिन इंक्वायरियाँ नहीं होने दी जा रही। लाहौर वर्क्स में वारदात हुई, करोड़ रुपए के घपले हुए, आपने यहाँ के डीएम को जो बार्सिलोना में थे वापस कॉल बैक कर लिया, ठीक किया, इंक्वायरी कीजिए या घर भेजिए या बहाल कीजिए, घर में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, वो मुजरम हैं नहीं हैं फैसला तो कर दीजिए, इंक्वायरियाँ रुकी हुई हैं, आपके जाने का इंतजार हो रहा है, तो खुदा करे आई प्रे कि आप काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर गॉड से ये जो सस्पेंशन है, अभी आज मुझे हमारे मेरे स्टाफ ने बताया, हमारी चीफ कोऑर्डिनेटर ने बताया, हमारे रिपोर्टरान ने बताया, कॉरेस्पॉन्डेंट से बताया कि जी पी आई ए में मेडिकल सेंटर का बुरा हाल है, और उसमें लूट खसूट के चक्कर में 3-4 डॉक्टर जो हैं वो मुजरम हैं नहीं हैं, मुजरम हैं नहीं हैं, उन्होंने कुछ किया है नहीं किया, आपने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन का शर्म जो शर्मिंदगी है ना, वो जो शर्म वाले लोग हैं ना, हयादार लोग हैं, तो एक दो दिन तो उनको होता है ठीक, लोगों को कुछ नहीं होता, उसके बाद कहते हैं कि तनख्वाह तो कोई नहीं, फुल सैलरी है,
सस्पेंशन मीन फुल सैलरी, अयाशी, मौज, कोई काम नहीं, इंक्वायरी पड़ी रहे, आप जाएंगे कोई और आएगा, सिफारिश होगी, वापस आएंगे, बैंक गेट से पैसे मिलेंगे। क्या हुआ? इदारा इस तरह डूबा, एयरलाइन इस तरह डूबी। सर, डॉक्टर साहब, आपके पास टाइम नहीं होता, कल आपके पास टाइम ही टाइम होगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा। हम आज आपको बार बार कह रहे हैं कि इंक्वायरियों को स्पीड अप कीजिए। अब आगे जो हालात हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपका मुस्तकबिल क्या है, आपने बेहतर प्लानिंग कर ली होगी, आप बेहतर समझते हैं। आप अपनी टीम को कहिए कि जो डायरेक्टरान हैं, जो सस्पेंशन हैं मेडिकल सेंटर में, मेडिकल जो बी ए के मेडिकल सेंटर्स हैं उनका क्या हाल है। लाहौर मेडिकल सेंटर जो है, मुझे बताया गया है कि उसमें 5 से 6 डॉक्टर थे, दो एक डॉक्टर गिलानी सस्पेंड, करप्शन की है नहीं की हम कुछ नहीं कह सकते, आप जाने, आपकी इंक्वायरी टीमें जाने। डॉक्टर अमीन एक कॉन्ट्रैक्ट पे थे, डेली बेस थे, निकाल दिए, सस्पेंड थे। अब क्योंकि आज ही पता चला कि डॉक्टर इरम साहब हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है। भाई, सस्पेंशन का रिजल्ट तो निकाल लिया ना सर, पीआईए वर्क्स में सस्पेंशन आपने की, दो असिस्टेंट मैनेजर और एक ऑफिसर को सस्पेंड किया हुआ है, जिस शख्स ने ठेकों में करोड़ों रुपया कमाया वो अभी भी ठेके ले रहे, अभी ठेके ले रहे हैं। यानी कमाल की बात है कि ऑफिसर जिन्होंने उसके साथ ये सारा कुछ किया नहीं किया, आपने उनको सस्पेंड किया पिछले 2-3 साल से, इंक्वायरी नहीं हो रही। रिजवान साहब कराची में डिप्टी DCM HR थे, PHS के HR थे, इंक्वायरी अफसर थे, उन्होंने 1-2 साल जिगजैग करते रहे, ड्रिबलिंग करते रहे, अपने आप को चेंज कराया, दो इंक्वायरी खत्म, और आप और मैं लगे ही जोर लगाते रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो सस्पेंशनों का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है, इसका रिजल्ट नहीं निकला। डॉक्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PIA जनाब, बल्कि अब तो चेयरमैन साहब को भी गुजारिश करूँगा, मार्शल आसम सुलेमान साहब को, वो भी खामोशी से आराम से एक साइड पे बैठे मेरे साथ, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सारा कोई डॉक्टर मुशर्रफ वसूल के ज़िम्मे है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और आपको एडवाइस करूँगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपका आपकी लिटिगेशन में करोड़ों रुपये ज़ाया हो रहे हैं, वैसे ही बिल दिए जा रहे हैं, बुकला साहबान को उबलाइज किया जा रहा है। खुदारा, आप बैठिए, एक कमेटी बनाइए, बोर्ड बनाइए, मैं फ्री खिदमत दूंगा, मुझसे ज़्यादा इसके एयरलाइन के बारे में कौन जानता है, सेटल कीजिए। 50,000 का मुलाजम है, उसको आपने रेप्रीमांड किया, वो अदालत में गया, 4 साल केस चला, आपने लाखों रुपये फीस दिलवा दी, अपने खेतों को फीस दिलवा दी, और उसके बाद वो बहाल होकर आ गया, तो उससे पहले क्यों ना सेटल कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, फॉर गॉड से, ये आपके लिटिगेशन के ऊपर लाखों रुपया ड्रेन हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। ये डॉक्टर सस्पेंड हैं, एक्शन लीजिए, मुजरम हैं, दवाइयाँ चोरी करते हैं, इदारे को नुकसान पहुँचाते हैं, इंजीनियरिंग में इदारे को नुकसान पहुँचाते हैं, PHS में, किसी जगह पे जो इदारे को नुकसान पहुँचाता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर जान के इंक्वायरी अफसर जो हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, उनको बिठाइए, उन्हें कहिए कि जिस तरह पनामा का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने within 6 months 10 तारीख को पूरा टाइम होना था, 9 को फैसला सुना दिया गया, क्या फैसला हुआ वो तारीख उसका फैसला करेगी। एक छोटा सा वक्फा, लेकिन हमारे साथ रहिए, हम यूं लौटे। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, सॉरी फॉर शॉर्ट ब्रेक एंड वी आर डिसअपियर्ड, लेकिन इस दौरान आपने बड़ा एंजॉय कर लिया होगा। लाहौर में इट्स अ वेरी सफोकेटेड इन्वायरमेंट, बड़ा सख्त घुटन है, बड़ा हब्स है, लेकिन हमारा शौक देखें, हमारा इंतजार देखें कि आपके साथ मुखातिब होने के लिए आपको ये लाइव, हमारा इस वक्त सोशल मीडिया पे लाइव आपको प्रोग्राम दिखाया जा रहा है बाकमाल लोग, और उसके थोड़ी देर के बाद हम इंशाल्लाह आपको ये ऑल 4 लिंक्स दोस्टलविन के वेबसाइट्स पे, ट्विटर्स पे, यूट्यूब पे एंड ऑल अदर सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं हमारे दोस्टलविन के, और लंदन से हम आपको इंशाल्लाह बाकमाल लोग प्रोग्राम इस खूबसूरत अंदाज में दिखाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। और हम बात करते हैं खरी
हम बात करते हैं बाकमाल लोगों से और हम आपको अपडेट देते हैं एक्यूरेट। तो हमारी बात हो रही थी डॉक्टर मुशर्रफ रसूल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और उनके दीगर जो साथी हैं, कोर्स हैं, उनके बाजू हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे थे कि ये सारे सिलसिले जो हमने आपको अभी बताए, इन पे जरा गौर करें। इसमें कोई बात हमारी अगर आपको नापसंद आई हो, गलत हो, तो बराह करम हमें ज़रूर बताइए, हम उसको अमेंड करेंगे, हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब क्या बात हुई, सारे तजर्बात आपको काफ़ी गिनवा दिए, बड़े तजर्बात हमारी नज़रों से गुजरे, हम सब तजर्बात की उन लैब्स में उनको उनकी चीर फाड़ होते देखते रहे, कुड़ते रहे, बताते रहे, गाइड करते रहे और मुनासिब वक्त पे मुनासिब मशवरे देते रहे। लेकिन हमारा काम तो गाइड करना है, थोड़ा बहुत एडवाइस कर देते हैं। सुनना ना सुनना जो एयरलाइन के हुकामे बाला हैं, माल के कुल हैं, वो सुने ना सुने, लेकिन हमारी आवाज़, हमारी दस्तक, हमारा नॉकिंग जो है, हमारी नॉकिंग जो है वो वक्त ज़रूर सुनता है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अभी सफारी एयर का एक शोजा छोड़ दिया गया है, वेदर का ख्याल नहीं रखा गया। एडवाइजरों ने, पुराने जो घाग हैं, उन्होंने जाके डॉक्टर मुशर्रफ रसूल साहब को, ज़ाकिर भाई साहब को और दीगर अफसरान के कान में कहा होगा, सर जी कमाल प्रोग्राम चलेगा, यार खुदा के बंदो वेदर का ख्याल कर लो, मौसम कौन सा आ रहा है, मानसून है, वेदर हिट करता है, आप वहां कोई 777 नहीं लेके जा रहे, आप एक छोटा सा जहाज हम लेके जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये तजर्बात पहले हो चुके हैं। एयर सफारी के जो फ्लाइट्स थी वो टर्मिनेट करनी पड़ गई, जहाज भी नहीं थे और वहाँ हमें नुकसान भी बड़ा हो रहा था। क्या इस घाटे के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ही रह गई है? अब सफारी जो एयर सफारी हमारा वो जो प्लेयर ट्रिप्स हैं, जो टूरिज्म को प्रमोट करने का बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है, इट्स अ वंडरफुल वे, अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी रिस्क नहीं लिया जा सकता। पहले तमाम वहाँ की जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी वहाँ फोर्सेज हैं, उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि वहाँ ऐसे खूबसूरत अंदाज, ऐसे कंक्रीट मेयर्स, प्रिवेंटिव मेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज किए जाए कि टूरिस्ट खींचता चला आए। मैं अभी, आप बहुत गए होंगे, बड़ी दुनिया वहाँ जाती है, मलेशिया में अभी टूरिस्ट, वो जो उनका गेंटिंग हाईलैंड है और एनी एंड मैनी अदर्स टूरिस्ट हब जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, वहाँ दुनिया उमड़ आती है, दुनिया सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने उसमें जदीद तरीन तरीके अख्तियार कर लिए हैं, झूले बोलों का दौर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन उनकी लैंडस्केपिंग ज़बरदस्त है, हमारी उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन बात क्या है, सिक्योरिटी मेयर्स, नीयत की बात है। हमारा गवादर जो है वो सिर्फ सी पैक तो आज की बात है, गवादर का जो कोस्ट है, मेहरान कोस्ट जो है, वो समुंदर जो है क्रिस्टल क्लियर है, 1400 किलोमीटर लंबा समुंदर, नेचुरल आपको टूरिस्ट पॉइंट दे दिए गए, और अगर हम उसको बसा लेते, जालमों ने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारे हुक्मरान के बाबाओं ने, वहाँ जाने ही नहीं दिया, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और अगर हम उसको आबाद करें, जिस तरह के अब उस पर काम किया जा रहा है, काम होना चाहिए, काम की नीयत कर ली गई है, मेहनत की नीयत कर ली गई है, दुनिया उमड़ आएगी इंशाल्लाह, लेकिन हाई अफसोस है, हमारा दुश्मन जो है घाघ लगाए बैठे है, घाघ लगाए बैठे है, घाघ दुश्मन घाघ लगाए बैठे है, काम नहीं होने दे रहा, धमाके करवा देता है, मासूम हमारे जो जवान है, हमारे बलोच भाई हैं, पश्तून भाई हैं, हमारे बलोची जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके ऊपर हमले करवा दिए जा रहे हैं। हम दहशतगर्दी के जिनको हमने काबू कर लिया था, लेकिन न जाने फिर किसकी नज़र लग गई, हम अभी भी हौसला नहीं हारेंगे, दुनिया ने बड़ी बड़ी तंगियां काटी हैं, आयरलैंड, कोरिया, चीन, बेल्जियम और जर्मन, मैनी अदर्स, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, रशिया, रशिया तो टूट ही गया, अमेरिका में क्या होता है,
हौसला नहीं हारना चाहिए। हम बड़ी बड़ी दरिद्र कौम है, हमारा मुल्क बड़ी दरिद्र से आज़ाद करवाया गया, हमारे कायद जो थे वो कमाल कायद थे, और इंशाल्लाह अब भी वी विल बी इन सेफ हैंड्स, बशर्ते कि आपका इंतखाब बेहतर हो, आपका इंतखाब आप अपने लीडरों को की पूजा पाठ मत करें, आपके वोट जो है आपने जो पर्ची देते हैं आपने ठप्पा लगाना है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा, वो वजीर आजम बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा, तो फिर आपको पूछे भी ना तो उस पर्ची को जाया करने की क्या जरूरत है। लिहाजा सियासत पे फिर बात होगी और अक्सर बात करता हूँ, तो आइए हम मिलके दुआ करते हैं कि पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एंड पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं गुजारिश करूंगा जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जनाब COO ज़ियाउर रहमान साहब से, और उनके साथ जितने भी काम करने वाली टीम है, मैं उन अपनी फजाई मेज़बानों से, ज़मीनी मेज़बानों से, हमारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स, तमाम जो शोबा जात में काम करने वाले PIA के मुलाज़मीन हैं, आइए हम ऐद करें कि इसको फिर 80 से पहले की एयरलाइन बनाएंगे। आप गलत काम नहीं करेंगे, आप मोबाइल स्मगलिंग नहीं करेंगे, आप इज्जत और वकार के साथ जाएंगे। आपके दो छोटी सहूलतें देख लें, टिकट हमारे सैनिटेशन के स्टाफ को भी मिलती है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बच्चों को भी वही टिकट मिलती है, उसी इज्जत और वकार से मिलती है। मेडिकल की सहूलत दुनिया में टॉप लेवल की जो है वो आपको मिलती है, फिर इसका क्यों ख्याल ना रखें, फिर क्यों दवाइयां हम बेचें, फिर क्यों हम अपने पुर्जे बेच दें, हम क्यों फिर कमीशन खाएं, हम क्यों फिर शराब में लैंड करें, हम फिर क्यों जो मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान से बाहर आते हैं लोग और अपनी बच्चियों के जहेज लेके आते हैं, अपने बच्चों के खिलौने लेके आते हैं, अपने बाप के लिए, बूढ़े बाप के लिए मोबाइल लेके आते हैं, अपनी बेटियों और बहनों के लिए मोबाइल लेके आते हैं, बच्चे के लिए पढ़ने के लिए लैपटॉप लेके आते हैं, अपनी होने वाली जो जो बेटी की शादी होने वाली है, बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए बड़े अरसे के बाद चंद तोहफ़े लेके आ जाते हैं, जेवर लेके आ जाते हैं, आप क्यों निकालें। मैं फिर गुजारिश करूँगा स्पेशली PIA के सिक्योरिटी के जो चीफ्स हैं, देन PHS के जो जनरल मैनेजर ज़ुल्करैन मेहदी साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, है तो हमसे वो छोटे हैं, वेरी नाइस हम्बल सैयद ज़्यादा हम्बल है, बड़ा नाइस ऑफिसर है, लेकिन डंडा पकड़ लीजिए, ये चोरों को नथ डाल दीजिए, ये जुल्म करते हैं, ये अच्छा इस बात पे भी दो राय नहीं है कि ये सारी चोरियां हमारे अराइवल फंक्शंस पे नहीं होती, डिपार्चर्स पे नहीं होती, जब जहाज लंदन से चलता है वहां से भी सब कुछ निकाल लिया जाता है, जब पेरिस से जहाज चलता है वहां से भी सब कुछ निकाल लिया जाता है, वहां के जो कोलीग्स हैं, जो वहां के ऑफिसर्स हैं, वहां के स्टेशन मैनेजर्स हैं, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, उनसे गुजारिश करता हूं कि जरा आप शेर की आंख रखें, ध्यान दें, और जब आप ध्यान देंगे तो ये जो चोर चकार हैं ये भाग जाएंगे। हमारे बैगेज सर्विस को बेहतर करना होगा, हमारी फ्लाइट्स डिले को बेहतर करना होगा, हमारी फूड जो कैटरिंग है इसको बेहतर करना होगा, हमें अखराजात कम करने होंगे। दुनिया में तमाम एयरलाइन जो हैं उन्होंने अपना व्यापार बना रखा है, वो पानी का घूंट, वो जूस का गिलास, वो एक चाय का कप, वो कॉफी का कप, वो हर चीज टॉयज, खिलौने, बच्चों के खिलौने हों, परफ्यूम्स हों, और सारी जो चीज़ें इन फ्लाइट दुकानदारी है वो बेचते हैं, वो पानी बेचते हैं, वो जूसेस बेचते हैं, वो हर कुछ बेचते हैं, हम हर चीज़ फ्री देते हैं, हम अय्याशी करवा देते हैं, हम मौज करवा देते हैं, हमारा मुसाफ हमारे ग्राउंड सर्विस टॉप पे होती है, इधर फ्लाइट लेट हुई और इधर लंगर खुल गए, इधर फ्लाइट ट्रांजिट वाली लेट हुई, इधर होटलों के दरवाजे खोल दिए गए। ख्याल रखिए ट्रांजिट सेल्स के तमाम ऑफिसर्स, ख्याल रखें, खुदारा आप होटलों को प्रमोट करने की बजाय अपने अखराजात बचाइए। मैं तमाम हमारे जो दो स्टेशन मैनेजर्स हैं, खसूसन जो ट्रांजिट स्टेशन जहां ट्रांजिट इन्वॉल्व होते हैं, जहां ट्रांजिट लैंड करते हैं, उनका ख्याल रखिए, इतना उनका ख्याल रखिए कि फिर जहाज़ भर भर के आए। हमारे यहाँ जो कार्गो के दोस्त हैं वो ख्याल रखें,
हमारे यहाँ इतना कार्गो है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे, ख्याल रखिए। लिहाजा टका टका बचाइए। अगर ये सारा कुछ आप करेंगे तो फिर ये एयरलाइन क्या होगी, बाकमाल लो लाजवाब सर्विस। तो फिर आइए, लेट्स प्रॉमिस कि आप इसको आज के बाद किसी चोर का साथ नहीं देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरखास्त कर चुका हूं, अब उनको बार बार कह रहा हूं कि ये इंक्वायरियां, ये जो लंबी लंबी इंक्वायरियां सस्पेंड हुआ, और किसी शुरते की मानिंद जो एक बंदे को पकड़ के जेल में डाल देता है, फिर शुरता अगर नहीं मिलेगा तो उसको रिहाई नहीं मिलती। वो हम यहां नहीं करें, हम अपने जहाजों का ख्याल करें, हम अपने स्टाफ का ख्याल करें। मैं एक बार और एक चीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नोट्स में लाना चाहता हूं। मैं लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब को भी कह चुका हूं कि ये जो डेली वेजेस बच्चे हैं हमारे, इनका बुरा हाल है, इनकी सैलरीज कम है, और इनको फिर बेगार कैंप के जो जगह है, ठेकेदार है, उसके हवाले कर दिया जाता है। इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, और सारा एयरलाइन का जो बोझ है इन गरीब बच्चों ने अपने सर पे संभाला हुआ है, सारी एयरलाइन इन्होंने अपने कंधे पे उठाई हुई है। और इनका ख्याल रखिए, इनकी सैलरी बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा, जो भी ठेकेदार है उसको अव्वल दो कोशिश करें कि ये ठेकेदारी निज़ाम जो है, ये भट्टा मजदूर, ये भट्टा मुलाजमीन नहीं है, इनका ख्याल होना चाहिए। और मैं तमाम ठेकेदारान को भी कहता हूँ, सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, वरना बड़े बड़े यहाँ से फिरौन रुखसत हो गए। ये एयरलाइन सलामत रहने के लिए बनी है, और इंशाल्लाह सलामत रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अजीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मुशर्रफ रसूल साहब को जो गुजारिशात की हैं वो इस पर अमल करेंगे। कल किसने देखा, इंक्वायरियां फौरी तौर पे इमीडिएटली उसके एक्शन करवाइए, सजा जजा या माफी, और लिटिगेशन मिनिमाइज कर दीजिए, मैक्सिमम कर्टेल कर दीजिए, आपके अखराजात बच जाएंगे, आप फ्यूल में बचाइए, आप एक्सेस बैगेज में बचाइए, आप अपनी टाइम बचाएंगे तो पैसा बचेगा। और आप जो रिक्रूटमेंट करें उसमें वही मॉडल जो माजी का मॉडल था एयर होस्टेसों का, ग्राउंड स्टाफ का, उसको मेंटेन कर दीजिए, आपकी इज्जत होगी, तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा। जिस तरह तारीख में ब्लैक स्टिग्मा वाले लोगों का नाम लिखा जाता है, इस तरह अच्छे लोगों का भी नाम लिखा जाता है। इस तरह नूर खान मरहूम को याद किया जाता है, रफीक सहगल साहब को याद किया जाता है, आरिफ अवासी साहब को याद किया जाता है, मैनी अदर्स। तो फिर आप क्या बनना पसंद करेंगे, यकीन है आप हिल्डन की तरह रुस्वा होके, और किसी कैप्टन की तरह कोई अपने नाम धब्बा नहीं लगवाएंगे। अच्छे कप्तान हैं, ऐसे ऐसे हीरे कप्तान हैं जो एक मिनट डिले नहीं होने देते। आप अगर इस एयरलाइन की हिफाजत करेंगे तो ये आपको माँ से ज्यादा प्यार देती है, आपको लुक आफ्टर करती है। सो टेक केयर ऑफ योर दिस मदर। सो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लॉन्ग लिव। तमाम ऑफिसर्स, तमाम मुलाजमीन, 21,000-20,000 मुलाजमीन की पेंशन। हम एक चीज में और आखिर पे मैं, मुझे याद आ गया कि मुझे मेरे बहुत जो बड़े मोहतरम हैं जनाब मुनव्वर संधीला साहब, साबिक डिप्टी स्टेशन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर्स, उन्होंने हुक्म फरमाया था कि पेंशनर्स के हकूक के लिए बात करूं, उसके ऊपर मुकम्मल प्रोग्राम करूंगा। लेकिन सीईओ से और चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि हर बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर ना लेके जाई जाए, कुछ खुद भी हम कर लें। क्या 6,000 रुपये में, का 5,000 रुपये में, का 7,000 रुपये में गुजारा हो सकता है? आप 20 लाख का ऑफिसर बाहर से ले आते हैं, आप 15 लाख का ऑफिसर बाहर ले आते हैं, बाहर के जो महकमे हैं उसकी पेंशन चेक कीजिए, दुनिया की एयरलाइन की जो ड्यूज पेंशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इसको कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर बहुत जल्द अमल होगा, और पेंशन बताने के काबिल होगी, अब तो छुपाने के काबिल भी नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान यकूब जावेद कमैना को इजाज़त दीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए, आपको तंगी हो, आपको तलफी हो, आपकी हक तलफी हो, हम हाजिर, जस्ट कॉल अस। और हमारे साथ हमारे दोस्त टेलीविजन पे, हमारे वेब न्यूज़ जो चैनल है उस पर रहिए, ट्विटर पे हम साथ हैं आपके, यूट्यूब पे हम आपके साथ हैं।
ऑल लिंक्स पे हम आपकी एक कॉल पे हाजिर हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप अपना, अपने से ज्यादा पाकिस्तान का और फिर पाकिस्तान एयरलाइन का ख्याल रखिए, दुश्मनों पे नजर रखिए और मुल्क की हिफाजत आपका और हमारा फर्ज है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान यकूब जावेद कमयाना को इजाजत दीजिए, फिर बाकमाल प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। देखते रहिए डी टी वी एंड रहिए खुशहाल। पाकिस्तान जिंदाबाद।